नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं मुकेश सोनी छिंदवाड़ा से। आज हम बात करेंगे चने पर और जानेंगे यहाँ के सबसे बड़े व्यापारी आशुतोष डागा जी से कि चने का क्या रेट चल रहा है और आने वाले समय में इसमें क्या भाव रहेगा। हम जानना चाहेंगे सर, अभी क्या रेट चल रहा है चने का? अभी छिंदवाड़ा मंडी में चना लगभग आपका 5400 रुपये से लगा के 6000 रुपये की रेंज में व्यापार हो रहा है। छिंदवाड़ा मंडी में लगभग 500 से 700 क्विंटल की रोज की अराइवल है। अभी तत्काल में चने में थोड़ा सा एक गवर्नमेंट के डिसीजन के बाद में कुछ थोड़ा माइनस मार्किंग हुई है। तो गवर्नमेंट ने आज से 3 दिन पहले इंपोर्ट ड्यूटी जो 40% थी चने के ऊपर और मटर के ऊपर, तो वो पूरी वापस ले ली है और 1 साल के लिए लगभग उसको वापस लिया है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा 2-4 दिन का ऐसा लगता है कि कुछ फ़र्क पड़ेगा, उसके बाद में चने में ऐसा कोई फ़र्क पड़ने वाली स्थिति नहीं दिखती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि चने की एक तो उपलब्धता कम है, जो गवर्नमेंट के पास रिज़र्व बल्क स्टॉक था वो भी कम हो गया है, और चना बहुत ज़्यादा सेलिंग आइटम है। चने में लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया में चने की खपत है। गर्मी के समय में इसकी खपत और ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे बिहार, यूपी और बंगाल के बेल्टों में यहाँ पे सत्तू के रूप में बहुत उपयोग किया जाता है, क्योंकि चना ठंडा करता है। एक रीज़न चने को यानी तेज़ी रोकने का ये भी कारण रहेगा कि तेज़ी इस चने की बराबर बनेगी, चने में तेज़ी नहीं रुकेगी। फिर उसके बाद में जो गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटी हटाई है, इम्पोर्ट ड्यूटी हटाने के बाद में ऑस्ट्रेलिया से जो इम्पोर्ट का चांसेस थे, ऑस्ट्रेलिया ने सेम डे में $70-80 चने के रेट वहाँ पे बढ़ा दिए। वहाँ के जो ट्रेडर थे उन्होंने रेट बढ़ा दिया, तो इम्पोर्ट जो है वो 70 रुपये के नीचे नहीं पड़ रहा। आज इंडिया में आके इम्पोर्ट 70 रुपये के आसपास पड़ेगा, और आज हिंदुस्तान का चना लगभग 62 रुपये से 64 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा है। जो 64 से 65-66 रुपये की रेंज में ट्रेड कर रहा था, वो आज 63-64 रुपये की ट्रेड में ट्रेड कर रहा है। गवर्नमेंट सिर्फ यहाँ तक सफल हो पाई, जो बाज़ार और बढ़ जाता तेज़ी से वो रुक गया, अभी तो तत्काल के लिए वो रुका है। इसके अलावा आपकी और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो बताएं, पूछें। काबुली चना एक्चुअल में अपने यहाँ पैदा नहीं होता। डॉलर चना जो होता है वो लगभग इंदौर बेल्ट के आसपास का आइटम है। काबुली चने में साल भर डिमांड रहती है और अच्छा काबुली चने का ट्रेड भी बहुत अच्छा चल रहा है वहाँ पर। मेरा ऐसा मानना है कि 70 से 90 रुपये की रेंज में काबुली चने में व्यापार हो रहा होगा। यानी कि जिन किसानों के पास अभी चना है तो एक्साइज ड्यूटी हटाने के बाद भी उनको अच्छा दाम मिल रहा है? हाँ, अच्छा दाम मिल रहा है। गवर्नमेंट के सपोर्ट प्राइस से चने के दाम लगभग किसान को 100 रुपये ऊपर ही मिलता रहा। गवर्नमेंट का सपोर्ट प्राइस 5400 रुपये है चने का, और किसान को लगभग 5500 से 6000 की रेंज में जब से नई क्रॉप आई है तब से चने का भाव यही मिल रहा है। क्योंकि लास्ट ईयर भी चना नीचे जाने के बाद में जब एक बार बाज़ार ऊपर अप आया, तो उसके बाद से बाज़ार कोई विशेष नीचे नहीं गया है, इसलिए नई क्रॉप के टाइम भी किसान को बहुत अच्छा बेहतर प्राइस मिला है। तो ये सरकार द्वारा जो लिया गया निर्णय स्टॉक ड्यूटी हटाने पर, तो इसमें और भी दालों पर फर्क पड़ेगा? इम्पोर्ट ड्यूटी जो कम की है उसकी वजह से जो बाज़ार की जो चाल थी, जो बाज़ार एक तरफा तेज़ी की तरफ चल रहा था, वो थोड़ा रुक गया। वो इसलिए रुका कि सरकार कहीं भी किसी भी चीज़ का कभी भी डिसीजन ले सकती है। इस वजह से जो बाज़ार में तेज़ी की तरफ बाज़ार चल रहा था वो एक तरह से एक जगह स्टॉप हो गया, होल्ड हुआ है। जो तेज़ी है उसको ब्रेक लगा है, ये नहीं हुआ कि बाज़ार रिवर्स आ गया, लेकिन तेज़ी को ज़रूर ब्रेक लगा है। तेज़ी को अकेले चने को लेके नहीं है, इसका असर गेहूं पे भी आया है, इसका असर अन्य दालों पे भी आया है, लगभग सभी फैक्टर में आया। हाँ, ठीक। तो ये समझिए कि सरकार द्वारा उसका शुल्क हटाने के बाद भी किसानों को उच्च दाम मिलने की उम्मीद है, आने वाले समय में किसानों को इसमें अच्छा फ़ायदा होगा। मैं मुकेश सोनी छिंदवाड़ा से, मार्केट टाइम टीवी।